वेलकम टू दर्ड पार्ट ऑफ मेन्सुरशन ऑफ क्लास एट फर्स्ट टू पार्ट में हमने देखा था एरिया ऑफ टू डी फिगर्स जैसे कि रेक्टेंगल क्वार्रीलैट्रल रॉम्बर्स पैलोग्राम एक्सेट्रा और उसके एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाथ निकालना फिर सेकेंड एपिसोड में हमने देखा था एरिया ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर्स जैसे कि क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर और उनकी भी कुछ एप्लीकेशन अब आते हैं हम लास्ट पार्ट में जिसमें कि हम डील करेंगे वॉल्यूम से वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है और उसका बहुत याद रखने का इजीएस्ट वे आपको बताया जाएगा इस एपिसोड में वॉल्यूम बेसिकली होता क्या है वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड अगर कोई भी कंटेनर है सपोज दिस इज अ सिलेंड्रिकल कंटेनर इसके अंदर जितना भी सामान हम डाल सकते हैं यानी उसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम उसको हम कहेंगे इसकी वॉल्यूम है जितने मान लीजिए टेन मीटर क्यूब उसका हमेशा जो यूनिट होती है वो क्यूबिक यूनिट होती है चाहे सेंटीमीटर मिलीमीटर या मीटर और मीटर का कन्वर्जन मीटर क्यूब का कन्वर्जन इनटू लीटर्स भी आपको बताया जाएगा और वन मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं सिमिलरली वन सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं ये भी अभी हम सीखेंगे सो लेट स्टार्ट सबसे पहले तो देखेंगे वॉल्यूम निकालने के जो फॉर्मूले हैं उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं इन अ वेरी इजी मैनर सो दैट यू कैन रिमेम्बर आप देखते हैं क्यूब क्यूबॉइड और सिलेंडर की वॉल्यूम किस तरह निकलती है सबसे पहले आपको याद रखना है कि वॉल्यूम होती है एरिया इनटू हाइट एरिया इनटू हाइट अब आपको क्यूब का एरिया अगर याद हो तो इट वॉज साइड इन टू साइड दैट मीन्स साइड स्क्वायर और यहाँ पर हाइट जो है वो भी साइड होती है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए साइड से इट बिकम्स साइड क्यूब यानी ए क्यूब अगर हम ए साइड माने तो ए क्यूब अब आती है बारी क्यूबॉइड की फेस आपको पता ही है रेक्टेंगुलर फेस होता है रेक्टेंगुलर फेस का एरिया होता है लेंथ ब्रेथ सो एरिया इज एल इंटू बी मल्टीप्लाई करना है हमें हाइट से सो इफ आई राइट एच फॉर्मूला बन गया एल बी एच ये देखिए कितनी आसानी से आपने एरिया इंटू हाइट से फॉर्मूला निकाल लिया वॉल्यूम का अब आती है सिलेंडर की बारी सिलेंडर का बेस सिलेंडर का बेस होता है एक सर्कल और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो आप लिख ही लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हाइट से सो इट इज पाई आर स्क्वायर एच बस ये बन गई आपकी वॉल्यूम बहुत ही सिंपल है फॉर्मूले अब आपको याद रखने के लिए क्यूब का साइड इनटू साइड इंटू साइड इंटू साइड दट इज साइड टू द पावर 3 क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लीकेशन सिलेंडर इज बेस जो होता है बेस आपको याद ही रहेगा सिलेंडर का एक सर्कुलर बेस होता है और सर्कल का एरिया हमने देखा ही है पहले पाई आर स्क्वायर सो पाई आर स्क्वायर इंटू एच ये हो गए आपके फॉर्मुलाज रेडी और ये आपको ध्यान रखना है अब एक और देखेंगे वन मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं सो वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड लीटर्स ऑफ लिक्विड लिक्विड में पानी दूध या कोई भी और लिक्विड आ सकता है सो वन मीटर क्यूब इज थाउजेंड लीटर्स लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर्स आते हैं ये देखना है अब एक बात देखिए वन मीटर क्यूब यानी हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि वन मीटर इज हंड्रेड सेंटीमीटर हंड्रेड को तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा सो दैट मीन्स अगर हम ये टेन रेज टू सिक्स सेंटीमीटर क्यूब को वन मीटर क्यूब लिखते हैं इसका मतलब ये थाउजेंड लीटर है इतना समझ आ गया आपको इन दोनों को कंबाइन कर दिया अभी हम इसको भूल जाते हैं सो इट इज टेन रेज टू थ्री इन टू टेन रेज टू थ्री सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू टेन रेज टू थ्री लीटर्स मैंने हर थाउजेंड को टेन रेज टू थ्री लिख दिया है सिर्फ आप थाउजेंड भी छोड़ सकते हैं ये और ये कैंसल हो गए आप देखिए वनस या यहां अभी टेन रेज टू थ्री लिख लेते confusion हो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इज इक्वल टू वन लीटर सो वन सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन अपॉन टेन रेज टू थ्री लीटर्स यानी वन अपॉन थाउजेंड लीटर्स इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर क्यूब इतना याद रखना है एग्जाम में तो बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करना सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया है 180 एट्टी सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम दी है 900 सेंटीमीटर क्यूब और आपको हाइट निकालनी है अगर आपको ध्यान हो हमने अभी अभी डील किया है वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया या एरिया इन टू हाइट एरिया इनटू हाइट बेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है 180। एटी हाइट हमें निकालनी है और वॉल्यूम दी है 900। बस अब आपको यहाँ वैल्यूज आपने रख दी हाइट कैलकुलेट हो जाएगी एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर पे इसका मतलब यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए लेट्स डू द कैलकुलेशन और ये देखिए 18 फाइव 90, नाइनटी सो हाइट इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर्स ये आ गया आपका आंसर लेकिन जैसा कि मैंने कहा यूनिट्स का खास ध्यान रखिएगा यूनिट सेम होनी चाहिए यहां सेंटीमीटर तो यहां भी सेंटीमीटर क्यूब था और अब आपका आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही आया है क्वेश्चन है अ गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड मेजरिंग 60 बाय 40 बाय 30 मीटर्स हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 0.8 मीटर क्यूब इस क्वेश्चन में हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है एक क्यूबॉइड की और उसके अंदर कितने छोटे क्यूब्स आ सकते जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक बड़ा क्यूबॉयड है बड़ा क्यूबॉइड है विथ डिफरेंट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट और इसके अंदर अगर हमें छोटे छोटे बॉक्सेस रख के फिल करना है तब कितने बॉक्सेस आ सकते हैं तो इसके लिए आपके पास एक ही मेथड है वो है वॉल्यूम इस बड़े वाले बॉक्स की बड़े वाले बॉक्स की वॉल्यूम निकालना और इससे डिवाइड करना छोटे वाले बॉक्स की वॉल्यूम को देखिए किस तरह करना है वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स बिगर बॉक्स यानी आपका है यहाँ पर क्यूबॉय डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स आपकी भले यहाँ पर क्यूब हो या क्यूबॉइड हो उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको इसकी वॉल्यूम दी हुई है इससे आपको मिलेगा नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस जो आपके बड़े बॉक्स के अंदर फिट हो जाए वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होता है लेंथ ब्रेथ हाइट हमारे पास ये तीनों दिए हुए हैं सो वी राइट इट एक्सटी इंटू फोर्टी इंटू थर्टी लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई किए डिवाइड बाय की स्मॉलर बॉक्स पॉइंट एट पॉइंट एट यहां से आप डेसिमल हटा सकते हैं अगर इसको एट करना है ये देखिए डेसिमल हट गया तो यहां एक और जीरो लग जाएगा इजी हो जाता है आप देखिए एट फाइव फोर्टी ये तो कैंसल आउट हो गया अब आप देख लीजिए तो तो एक आ गया और कितने? थाउजेंड बॉक्सेस नाइनटी थाउजेंड बॉक्सेज यहां पर फिट हो सकते हैं इतने छोटे छोटे बॉक्सेस एक बड़े बॉक्स के अंदर तो आपको पहला स्टेप क्या था वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स सेकेंड स्टेप वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स आप देखिए यहाँ आपको वॉल्यूम डायरेक्टली दिया है इसके बजाय आपको दे सकते थे कि साइड है मान लीजिए टू मीटर्स छोटे वाले बॉक्स की टू मीटर या सपोज इट इज पॉइंट टू मीटर्स छोटे बॉक्स की तो आपको इसकी सबसे पहले वॉल्यूम निकालनी होती अगर ये क्यूब होता तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं पॉइंट टू इन टू पॉइंट टू थ्री टाइम्स या पॉइंट टू का क्यूब उससे आपकी निकल जाती वॉल्यूम और फिर आप छोटे वाले बॉक्स की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे बड़े बॉक्स की वॉल्यूम से आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे इसी का एक वेरिएशन होता है आपके पास एक बड़ा बॉक्स है और नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस दिए हुए हैं आपको छोटे बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है तब ऐसे करेंगे आप बड़े बॉक्स की वॉल्यूम निकालेंगे आपको दी रहेगी या डायमेंशन दिए रहेंगे वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉक्सेस देखिए ये यहां आ जाएगा तो ये इस तरफ चला जाएगा सो इट विल गिव यू द नंबर ऑफ बॉक्स यहां पर अगर आपको दिया रहता है इससे आपकी निकलेगी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स आपको अगर एक छोटे बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है तो इस तरह से निकालेंगे बिगर बॉक्स की वॉल्यूम आप निकाल लेंगे आपके पास डायमेंशन होगी या वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको अगर गिवन होंगे इससे आपकी वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स भी निकल सकता है अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेपर है 11 बाय 4 सेंटीमीटर का जिसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया है देखिए, ये एक पेपर है हमारे पास इलेवन बाई फोर का इमेजिन करिए और इसको हमने फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया है ओवरलैपिंग को अभी इग्नोर करेंगे देर इज नो ओवरलैपिंग इस तरीके से एक सिलेंडर बन गया अब आपको निकालनी है इस सिलेंडर की वॉल्यूम जिसकी हाइट देखिए हाइट दी है फोर और जब आप इसको खोलेंगे बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वेर इंटू हाइट विल गिव यू दॉल्यूम यहां आएगा पाई आर स्क्वेर इन टू एच अब देखिए आर आपके पास कौन सा आएगा पहले तो आपको ये देखना है कि आर किस तरह से आपको मिलेगा आर मिलेगा ये टू पाई आर है यहां से टू बाई आर क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको फोल्ड करके दिखाया था पेपर जब हमने खोला ये थी सरकम फरेंस ऑफ द सर्कल जो नीचे बेस पे बन रहा था तो इससे हम पहले इक्वेट करेंगे टू पाई आर इक्वल्स इलेवन और टू इंटू ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू आर इक्वल्स इलेवन ये कैंसिल हुआ सो आर इज सेवन बाय फोर ये तो आपके पास आ गई सेवन बाय फोर यहां आपके पास सिलेंडर की हाइट यानी ये है फोर सेंटीमीटर्स आप देखिए आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ट्वेंटी टू सेवन इंटू सेवन बाय फोर के होल स्क्वायर को हम दो बार सेवन बाय फोर अलग अलग लिख रहे हैं ताकि इजीली कैंसिल हो जाए आप देखिए एक सेवन कैंसिल हुआ एक ये फोर कैंसिल हुआ और ये टू और ये इलेवन सो इट इज सेवेंटी सेवन डिवाइड बाय टू विच इज थ्री एट पॉइंट फाइव दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि सारे मेजरमेंट्स सेंटीमीटर में से तो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब थर्टी एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो रेडियस है वो यहां से निकलेगा जिस तरीके से पेपर को फोल्ड किया है जैसे लेंथ वाइज फोल्ड किया है तो टू पाईआर को इक्वेट करना है इलेवन से और वहां से रेडियस निकाल के वॉल्यूम के फॉर्मूले में डालना है आपको याद रखने के लिए बेस एरिया इन हाइट सो दिस विल गिव यू वॉल्यूम मेरा क्वेश्चन है आप मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुस इज वन पॉइंट फाइव मीटर लेंथ इज सेवन मीटर फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर हम एक सिलेंड्रिकल कंटेनर देखे तो इसका आपके पास रेडियस दिया है बेस रेडियस दिया है और लेंथ यानी हाइट दी है और इसको अगर इस तरह रखें तो इसमें पूछा कि इसकी कितनी कैपेसिटी है यानी कितनी वॉल्यूम है लेकिन लीटर्स में तो आप देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेर एच जिसमें से कि आपके पास आर भी है और एच यानी लेंथ या हाइट इसको 22 टू बाई सेवन इंटू वन पॉइंट फाइव स्क्वेर इंटू सेवन ये सेवन सेवन कैंसिल हो गया ये आया ट्वेंटी टू इंटू वन पॉइंट फाइव स्क्वेर दैट कम्स टू बी फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मीटर क्यूब फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मीटर क्यूब आने के बाद आपको चाहिए था लीटर्स में तब आप क्या करेंगे देखिए वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड लीटर्स या मैं यहां दिखा देती हूँ आपको वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू थाउजेंड लीटर्स सो फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव मीटर क्यूब कितना होएगा क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बी 49.5 1000 डिवाइड बाय 1 सो इट इज 49500 लीटर. सो विद दिस वी फिनिश ऑफ द चैप्टर मेंसुरेशन फ्रॉम क्लास 8 आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे क्लास 8 9 10 मैथ्स में इंग्लिश में So stay tuned to Idea Infinity for more and more videos.